सम्राट चौधरी भी जो है ना इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो सम्राट चौधरी ना पूरी पढ़ाई पढ़े नहीं है, तो अगर वो खेला करने की बात करते हैं ना तो वो तोड़ जोड़ खरीद फरोख जो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी जो उतना ही उन्होंने पढ़ा है। एक बात बताइए, टूटा चप्पल पहन के आप चलना चाहेंगे क्या? नहीं ना, तो ऐसे चप्पलों को फेंक देना ही उचित है। तो हमारे लिए तो उसी समान है, हमने उनको फेंक दिया। जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं। भाई मुबारक हो, आप जहाँ गए वहीं आप रहिए। नहीं, तेजस्वी प्रसाद यादव जनविश्वास यात्रा से लौटे हैं और 3 तारीख को गांधी मैदान में दावा है कि ऐतिहासिक रैली होगी। भीड़ इतनी ज्यादा होगी कि बिहार की राजनीति पलट दी जाएगी। लेकिन आरजेडी के विधायक टूटते जा रहे हैं और आज ही खबर आई कि बीजेपी में एक और चले गए। टोटल अब तो 5 हो गया और गठबंधन का 7 हो गया। आप क्या कहिएगा? देखिए, अभी चुनाव का समय है और लोगों का आना और जाना लगा रहता है। कहते हैं ना कि चुनावी मौसम में एक बहुत साधारण प्रक्रिया है, और जब राष्ट्रीय जनता दल इतना बड़ा परिवार नदी के समान है और जब नदियों में उफान आता है तो आप भी जानते हैं ना गंदगी कर कादो जो है ना उफन के बाहर आ जाता है। तो ये राष्ट्रीय जनता दल की वो कमजोर कड़ी थी जो टूटे। बहुत मुबारक इनको, और जिन भी उम्मीदों के साथ जो भी उधर से उनको जो भी ऑफर मिला है, चाहे पैसे का मिला या पद का मिला या टिकट का मिला, उम्मीद करती हूँ कि उनकी जो भी है वादे वो पूरे किए जाए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं उनको विदा करती हूँ अपनी पार्टी से। परिवार बहुत बड़ा है, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों को मौका मिलेगा आने का, और जो मजबूत स्तंभ है वो पार्टी में हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सारिका जी, मसला ये है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार गिरने के बाद जब कहा कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, तो सम्राट चौधरी ने कहा कि सो खेल तो हम शुरू करेंगे और ये खेल, ये नजारा तो यही है ना कि खेल आप लोगों के साथ होता जा रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी भी जो है ना इसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो सम्राट चौधरी ना पूरी पढ़ाई पढ़े नहीं है, तो अगर वो खेला करने की बात करते हैं ना तो वो तोड़ जोड़ खरीद फरोख जो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी जो उतना ही उन्होंने पढ़ा है। सावरकर को मानने वाले और गोडसे को मानने वाले जो है ना लोकतंत्र और संविधान के खेला वो नहीं कर पाएंगे। खेला देखना था तो देखिए ना, आप जनविश्वास रैली में जो भीड़, प्यार, समर्थन, लोगों का हुजूम, वो सैलाब जो उमड़ा, वो देख के भारतीय जनता पार्टी डर गई और डर में वो इस तरह से तोड़ जोड़ कर रही है। उनको मुबारक हो, ये गंदगी वो रखे अपने पास। हमारा परिवार बहुत बड़ा है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि ये 2024 में भाजपा मुक्त का जो संकल्प हमारे गठबंधन ने लिया है वो संकल्प भी पूरा होगा और पूर्ण रूपेण हमारी सरकार बिहार में बनेगी। सरकार गिरे बने अलग मसला है, विधायक टूटते हैं तो आपके नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, बड़े नेता हो, आप लोग प्रवक्ता हो, एकदम मतलब खुशी का माहौल है, टेंशन ही नहीं ले रहे हैं। लोगों को परेशानी है कि भाई आरजेडी का विधायक ही टूटे जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, टूटा चप्पल पहन के आप चलना चाहेंगे क्या? नहीं ना, तो ऐसे चप्पलों को फेंक देना ही उचित है। तो हमारे लिए तो उसी समान है, हमने उनको फेंक दिया, हमने उनको पार्टी से एक तरह से कह दीजिए खत्म उनकी। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस राष्ट्रीय जनता दल ने इतना प्यार और सम्मान उनको दिया, महज 2019 में जो लोग आए, 20 में टिकट मिला, हमारे सिंबल से जीते, विधायक बने, इतना प्यार समर्थन मिला आपको बावजूद इसके आपने किया, तो भाई आप तो वो लोग है ना जो जिस थाली में खाते उस थाली में छेद करते हैं। भाई मुबारक हो, आप जहाँ गए वहीं आप रहिए। नहीं, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के लोग नहीं टूटते थे, जैसे लेफ्ट के लोगों का दावा कि हम टूटने वाले नहीं है, जिस बैरल के तले हैं वहीं रहेंगे। लेकिन आरजेडी में पहली बार ऐसा हो रहा है भाई कि इतना जन समर्थन आपको मिल रहा है और इस समर्थन जिनको मिला वो उधर समर्थन दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुछ कमजोर कड़ियां जो टूट जाए तो ही इमारत के लिए अच्छी होती है। हमारी इमारत जो है ना बहुत मजबूत स्तंभों से बना हुआ है, तो ऐसे जो है कमजोर कड़ियों के टूट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और विचारधारा की जब बात आती है ना, तो जिनके पास विचारधारा होता है वो ना रुपए से बिकते हैं ना पद से बिकते हैं, और हमारी पार्टी में विचारधाराओं से भरे हुए लोग हैं। नहीं तो सियासत के इश्क में नफरत अच्छी लग रही है आपको आजकल? देखिए, एक्स के बारे में बात नहीं करिए, जब प्यार मोहब्बत की बात हो रही है तो इन एक्स को एक्स ही रहने दीजिए। चलिए, तो ये हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता सारिका सिंह थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा, सागरिका पासवान सॉरी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो लोग चले गए हैं उनको जाना ही था, और सियासत में ऐसे लोगों को इन्होंने कचरा बता दिया कि जो विचारधारा के सामने समझौता कर ले, जो पद और प्रलोभन और पैसा को लेकर के विचारधारा बदल दे, ऐसे लोगों की आरजेडी में जगह नहीं है। हमारा परिवार बड़ा मजबूत है और बहुत बड़ा है, और इसका जो परिणाम है 2024 को लोकसभा 25 के विधानसभा में नजर आएगा।